जहाँ भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, वहीं लोग अक्सर करके अपनी समस्याओं को लेकर सामने आते रहते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। राजधानी के दारुल शफा में राष्ट्रीय समानता दल ने एक बैठक की, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना और बताया कि देश को NRC और CA की जरूरत नहीं है। जिस तरह से भाजपा इन कानूनों को लोगों पर थोपने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार या जो भी अन्य सरकार आए उसको सोचना चाहिए किसानों की समस्याओं के बारे में। किस प्रकार से देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से प्रमुख बिंदुओं पे बात की राष्ट्रीय समानता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष और अन्य आए सभी हुए कार्यकर्ताओं ने। तो देखिए हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अपना समय निकाला और मुझे भी बड़ी उत्सुकता थी कि हम भी सभी से एक बार रूबरू होने मिलने। राष्ट्रीय समानता दल पहला दल है जिसने इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता था कि उनकी सोच आपकी ठीक है। हमने कहा कि देखो, इस प्रदेश का हम मोहताज नहीं है कि अगर जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ा हूं और मैं वकील साहब से कहा कि मैं राष्ट्रीय समानता दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो ये पूछे कि ये कौन इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूछने की नौबत नहीं है। ये सबसे बड़ी पाजी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं मोतीलाल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल। आज हमारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है यहाँ। पहली बात ये है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 की, जो पूरे प्रदेश में इस समय जो बितंडावाद खड़ा है, चारों तरफ लूट, हत्या, डकैती, बेरोजगारी, निहत्थे लोगों को गोली मारी जा रही है, माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इन समस्याओं को पर न ध्यान दे करके सरकार आज NRC और CCA तमाम इस जिससे कोई आम जनता का कोई मतलब नहीं है, ऐसे विषयों पर जनता का ध्यान केंद्रित करके मूलभूत जो इस समय प्रदेश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लोगों को विरत कर रही है। तो राष्ट्रीय समानता दल इन सारे मुद्दों को लेकर के 2022 में चुनाव लड़ेगा। और दूसरी बात, इस समय किसान तो मेड़ पर बैठ करके रो रहा है, रात दिन जो छुट्टा पशु हैं वो किसानों की मेहनत की कमाई को लूट ले जा रहे हैं, कह रहे ये चर के ख़त्म कर दे रहे हैं और कोई उत्पादन उनका नहीं हो रहा है, किसानों के उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार रोज कह रही कि हम गन्ना उत्पादकों का गन्ना हम दे रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन की कीमत दे रहे हैं, लेकिन आज भी गन्ना किसान चारों तरफ से परेशान है, उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इनके जो हर जगह गौशाला वगैरह बनवा रहे हैं ये योगी जी की सरकार, लेकिन फिर भी तमाम छुट्टे पशु जो हैं वो पूरे प्रदेश में पूरे किसानों को तबाह किए हुए हैं। इससे किसान रुष्ट है, परेशान है और एकदम सरकार के विरोध में जा रहा है। तो जब सरकार के विरोध में जनता जा रही है तो उसको उलझाने के लिए CCA, NRC ये तमाम चीज़ें ये लोग सामने ला रहे हैं। इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए जनता बिल्कुल अपने हक के लिए, अपने किसान अपने उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए, उसको बचाने के लिए एकदम संघर्षरत है और राष्ट्रीय समानता दल उनकी मदद कर रहा है और करेगा, हर हालत में करेगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम लोग लड़ाई इसको लड़ेंगे।
सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज मैं संजय दीप कुशवाहा, राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पे हम लोग गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। यह सरकार समता, समानता, विश्व बंधुत्व की बात करने वाली विचारधारा को समाप्त करती जा रही है, मिटाती जा रही है। इसके खिलाफ हम और हमारा दल सरकार के इस गतिविधियों का कड़े शब्दों में विरोध करता है। इसके सीधे सीधे उदाहरण हैं, दिल्ली में रैदास मंदिर का तोड़ा जाना, राष्ट्रीय दस्तावेजों से राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चिन्ह है उसको हटा रही है सरकार, और राष्ट्रीय समानता दल अशोक चिन्ह के हटाने के विरोध में पूरे प्रदेश स्तर पे हर जिलों में अशोक चिन्ह बचाओ, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे विषयों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा और हर जिले में इन समस्याओं को लेकर, इसको बचाने को लेकर हम एक महायज्ञ करेंगे। आज देश में CAA और NRC, आज BJP के लोग घर घर समझा रहे हैं जाकर कि NRC से आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला है, घुसपैठियों के लिए बना हुआ है, हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। जो है आंखों के सामने है, असम में NRC हुआ, 19 लाख लोग NRC से बाहर हुए हैं, उसमें 15 लाख लोग वह हिंदू समाज के लोग हैं और 4 लाख लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं। अब आप बतला दीजिए, आंकड़े सामने हैं, 15 लाख हिंदू छांटे गए, 4 लाख मुस्लिम हैं, आखिर ये NRC किसके खिलाफ जा रही है? आंकड़े स्पष्ट बतला रहे हैं कि यह NRC इस देश के दलित, गरीब, आदिवासी, वनवासी, घुमतू, बंजारा, नट जैसे जातियां जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके खिलाफ है, ये किसी मुसलमान और किसी घुसपैठिए के खिलाफ नहीं। और सरकारी आंकड़े के अनुसार इस देश के इस 130 करोड़ आबादी में 30 करोड़ लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का आंकड़ा है कि 30 करोड़ लोग इस देश में आज भी भूमिहीन हैं, 15 करोड़ वो लोग हैं जो घूमते रहते, घूमतू जातियां हैं, जिनका कहीं कोई न खेत है, न बारी है, न घर है, न द्वार है, उनके नाम से एक इंच कहीं राजस्व का सर्टिफिकेट नहीं है। ये 45 लाख लोग जिन जो भूमिहीन हैं, ये 15 करोड़ लोग जो घूमतू जातियां हैं, 30 करोड़ जो लोग भूमिहीन हैं, ये कहां से सबूत ला कर देंगे इस सरकार को कि हम इस देश के निवासी हैं? पहला सवाल। दूसरा, जब देश आजाद हुआ था 70 के पहले की जो जनगणना हुई थी, हमारे देश की साक्षरता 30% थी, 70% लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वो 70% लोगों के परिवार के लोग अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट कहाँ से ले कर देंगे? ये जो है सरकार मांगेगी NRC में, ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश के मूल निवासियों के साथ, इस देश के
गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के साथ इनको वोट से वंचित रखने का, इन्हें पुनः गुलाम बनाने का ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। हम इसके खिलाफ हैं और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। ठीक है, संजय दीप कुशवाहा, राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं संजय दीप कुशवाहा, राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।